जो अस्त्र द्वारा आम जो अस्त्र देखुंट से सोड द्वारा जड़े अन्य शरीर को सीना हनन करदे किंतु से आत्मा को से द्वारा हनन करना कट टू पीसेस नोर बाय बर्न बाय फायर तेणु अर्जुन पाखे भी फायर ही ओपन थी तेणु सी शरीर को सीना फायर ही ओपन द्वारा नष्ट करदे कि आत्मा को नष्ट सिमिलरली अर्जुन ये तुम्हें कौ भाया भी विपन द्वारा आत्मा को किंतु नष्ट करना तेणु ये बहुत इम्पोर्टेंट से सेंस श्लोक भी भगवान कहते गोटे इम्पोर्टेंट जो समान वृक्षे तो सेम ट्री रे दीटा पक्षी रही तेणु सोल आ सुपर सोल तेना सुपर सोल जितने सोल निज सोल और सुपर सोल भर डिस्टेंस हो नील दे क्लोज बट स्टिल देन आम जापर ना कहीं सुपर सोल को आम अनिल सीना हम आम इंडिपेडेन्टली आम एक्टिविटीज कर चलते जहाँफल कि आमको जो फल मिल कथा सुफल व कुफल आम दु प्रकार फल आम प्राप्त होती आम जब भगवान सेवार रहा तेल आम जो सुफल प्राप्त हाँ भगवान को भूली जावा परमात्म को भूली गले आम जो फल प्राप्त होती से विषफल कुफल सो दिस इज द थिंग दैट हम लोग को कौन सा करना है सेवा या हम सेवा करेंगे या एंजॉयमेंट करेंगे तो आइदर यू हैव टू सिलेक्ट कृष्णा और यू हैव टू सिलेक्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट माया सो इफ वी आर नॉट सिलेक्टिंग कृष्णा देन वी आर बाय डिफॉल्ट इन माया तो इट इज टोल्ड इसलिए बोला जाता है कि आइदर आप जो भी चीज़ करो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है अगर नहीं कर रहे तो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कोई न्यूट्रलिटी नहीं है तो हम अगर भगवान को नहीं देख रहे हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली माया में है इसमें कोई मैंने देयर इज नो डाउट अबाउट इट तो इसीलिए कोई बीच का रास्ता नहीं है हम इन बिटवीन है ऐसे स्पिरिचुअली कोई इन बिटवीन चीज़ है नहीं तो हम लोग आइदर भगवान का सेवा में एंगेज है नहीं तो हम माया में सेवा में ऑटोमेटिकली है क्योंकि माया में हम सब समय रहते हैं तो इसीलिए हम अगर भगवान को नहीं देख रहे हैं परमात्मा को हम नहीं पहचान पा रहे हैं या उनका गाइडेंस को हम नहीं ले रहे हैं तो उनका गाइडेंस तो इस टाइप का अर्जुन ने को भगवान ने शास्त्र का माध्यम हम लोग के लिए दिया है तो उस टाइप का गुरुदेव ने हमको तो कृष्ण शरण ले लिया अर्जुन शरण लिया कृष्ण का पास में जो कृष्ण उनका गुरु है तो इसीलिए ये भगवान आदि गुरु है तो उनका परंपरा में हम लोग हमारा जिला प्रभुपाद का कृपा से हम लोग जो आज आए हैं इस प्रोसेस में तो उस प्रोसेस में हम लोग गुरुदेव का बात को सब समय स्मरण करके ऐसे भगवान का सेवा में एंगेज रहेंगे यही हमारा सब के लिए सब समय के लिए यही हमारे चिंतन में रहना चाहिए तो वी शुड नॉट वेस्ट ए सिंगल मोमेंट बट यस वी आर वेस्टिंग मेनी टाइम एंड ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है तो इसलिए जैसे भी हम अभी हमारा एज यू सो यू रीप जैसे भी हम खेती करेंगे उस टाइप का फल निकलेगा तो अभी हमको वही देखना है तो जैसे हम लोग कल देखे कि गोरमन प्रभु का परसों देहांत हुआ था तो कल हम लोग गए थे तो इसमें आज वही प्रभु संदीपनी प्रभु बता रहे थे कि अंतकाल कैसे हम लोग का पता चलता है क्योंकि कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी होगा तो इसलिए वो एक सिंपल भक्त है गुरुदेव एक ही बार बोल दिए उन्हीं वार्ड को भरोसा में सबसे उनका था कि गुरुदेव बोले गोरमन तुम जाके वहाँ पे मंदिर में स्कन में जाके तुम्हारा राम जी का सेवा करना है तो सब समय वही बात को स्मरण करते थे और उस टाइम में गुरुदेव बोल दिए थे तुम इसे करते रहो तो करने से तुम्हारा जो व्यवस्था हम करेंगे तो गुरुदेव ने उनको बोल दिए थे तो ये भी लास्ट में भी वो पता चल गया तो इसलिए अनकॉन्शियस स्टेज में भी स्टेज में थे तो भी संदीपनी प्रभु बोल रहे थे अभी कि हम उनको बोले कि एट द टाइम ऑफ डेथ तो जनरली गजेंद्र मोक्ष को पाठ करते हैं तो वो बोले कि पूछे उनको कि गजेंद्र मोक्ष पढ़ना है सुनना है तो ये अनकॉन्शियस स्टेज में हाँ बोले तब में गजेंद्र मोक्ष वहीं पे जाके उनका जो डॉक्टर है बोल रहे थे जो डॉक्टर का घर में एक्चुअली उनको रखा गया था वो डॉक्टर उनको बहुत सेवा कर रहे थे उनका जो वाइफ है उनको भी बहुत सेवा कर रही थी तो इसके लिए वो वहीं थे बट जब पता चल गया कि इनका समय हुआ
अमित प्रभु ने बोला कि इनको मंदिर में ले आइए। वो बोलने का पहले भी वो भी बोले कि हमको मंदिर नहीं लेके चलिए, हमको तो मेरा बेटी का पास में लेके चलिए, बेटी में सीता देवी। तो उनको सब समय हम भी उनको जब भी बात करते थे वो बोलते थे तो सीता सीता देवी को बेटी ऐसे मानते थे और उनका सेवा ऐसे कर रहे थे, वात्सल्य प्रेम में रहते थे। तो इसलिए उनको लेके आए, वहाँ पे भी सब वैष्णव को गुरुदेव को पहचान पाए। ये बोले कौन है, तो बोले गुरुदेव है। तो गुरुदेव को पहचाने, भगवान को श्रील प्रभुपाद को पहचानते थे अनकॉन्शियस स्टेज में, एंड भगवान को भी पहचाने, सब भक्त लोग को प्रेयर किया, प्रणाम किया, उनका वैष्णव धूली लिए। तो इस टाइप का ब्रज का बोले सब जगह से जो सेक्रेट वाटर आए थे हर तीर्थ से और उनके लिए, और ब्रज का धूली ये सब उनका शरीर सर में लगाए। तो इस टाइप का होके वो पूरा रेडी थे। और जो शरीर त्याग किए तो उनका पास में 50 भक्त थे और ये भक्त सब कीर्तन कर रहे थे। तो ये शाम का संध्या का आरती के बाद में तो उनका पास में वो सब कीर्तन भी कर रहे थे। और उस टाइम में उनका हाँ ये बोले थे कि जो गजेंद्र मुख पढ़ रहे थे तो उस टाइम में भी वो जो एक श्लोक आया जो जैसे गजेंद्र उनको प्रेयर करते हैं भगवान को, हाँ तो भगवान नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, तो ये श्लोक जो आया तो वो तुरंत उनका हाथ उसी टाइम उठ गया और ऐसे हाथ जोड़ के वो प्रणाम करना शुरू किए। तो अनकॉन्शियस स्टेज में भी उनका चेतना इस टाइप का स्टेज में था। तो जो लास्ट को भी कीर्तन हो रहा था वो जब शरीर त्याग किए तो उस टाइम में भी हरे कृष्ण कहे और उनका हाथ मैंने करताल जैसे हाथ को ताली बजाए और उसके बाद में स्मरण करके भगवत धाम चले गए। तो ये जो है प्रूव है कि एक भक्त कितना भी बड़ा हो छोटा इस टाइप का नहीं है, जो सिंपल है और गुरुदेव का ऊपर में वार्ड को भरोसा करते उसके कंटिन्यूसली वो करते रहें। तो वो भी बोले थे पहले भी सबको बोले थे कि मेरे को गुरुदेव बोला है तो यहीं पे मैं सेवा कर रहा हूँ, तो मेरा मृत्यु के बाद में मेरा शरीर को यहीं पर ही आप दफना देना, ऐसे बोले थे। कि जगह भी दिखाए थे, एक पेड़ है वो बोले वहीं कोना में, और किसको बोले थे इसी बाउंड्री के अंदर में हमारा यहाँ पे शरीर को दफना देना, क्योंकि मैं यहीं रह के मैं जो गुरुदेव का जो मंदिर है जगह है इसको मैं एज ए वॉच करते रहूँगा। तो ये इनका जो है मनोभाव थे और सब भक्त के लिए उनका इतना श्रद्धा था, सबको आउट ऑफ लव, सबको कोई खराब देशभाव नहीं था, सबके लिए समानता था। तो भगवान जैसे सबके लिए समान है तो सबको समान दृष्टि में देखते थे, सबको इतना सिंपल है जो सरलता ही वैष्णव होता तो सिंपल हार्टेड पर्सन को ही कृष्ण मिल सकते हैं। तो ये था और उनका भी जो क्वालिटी था पर दुख दुखी, ही वॉज वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स एवरीबॉडी। तो इसका भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सबके लिए वो भगवान राम जी का पास में तुलसी अर्पण करते थे। तो ये सब उनका जो क्वालिटी है तो ये सब ऑटोमेटिकली वो भगवत धाने के जाने का रास्ता में वो थे। तो इसलिए प्रभुपाद ने बताते हैं भागवतम में जो देवत ये लोग पांडव लोग जो भगवत मैंने हिमालय पद में जाने के लिए शुरू किए युधिष्ठिर महाराज, तो उसके बाद में उनका दूसरा फिर भाई भी सब उनका पीछे पीछे चलने लगे। तो उसके बाद में पर ये द्रौपदी और सुभद्रा भी जाने शुरू किए, तो उनको कोई बुलाए नहीं थे लेकिन बड़ा भैया जा रहे हैं तो उनका रास्ता है कि भगवत धाम के लिए वो जा रहे हैं, तो ये लोग उनका पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। तो उसी टाइम में प्रभुपाद ने वो पर्पट में लिखता है कि जैसे द्रौपदी और सुभद्रा अपने अपने चलने लगे तो इसीलिए बोले कि उनको कोई बुलाया नहीं, वो चलने लगे। तो इसलिए वहाँ पे बोलते हैं प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं पर्पट में शुरू में कि जब आपको अपना फ्लाइट उड़ाना पड़ता है तो अपना फ्लाइट जो आप उड़ाते हैं तो यू हैव टू टेक केयर फॉर योर वन फ्लाइट, नोबडी कैन हेल्प। सो इसलिए क्योंकि वन फ्लाइट में से लाइफ का एंड में जो डेथ का टाइम में अपना फ्लाइट अपना को उड़ाना पड़ता है, कोई उसमें आपको कुछ नहीं कर सकता है। बट व्हाइल इन द ग्राउंड यू कैन टेक प्रॉपर ट्रेनिंग, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं कि आप ग्राउंड में जितना हेल्प लेना है ले लो, ट्रेनिंग ले लो, आप लोग हेल्प करेंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन एक बार आप फ्लाइट उड़ाने चले तो वो फ्लाइट का जो है आपको सब कुछ केयर लेना पड़ेगा, अभी कौन हेल्प नहीं कर सकता आपको। तो इसलिए प्रभुपाद ने वहाँ पे बोलते हैं, इसलिए जो अंतकाल का बात है इस टाइम पता चल जाता है कि हम जीवन भर में क्या किए हैं नहीं किए हैं, तो एक्चुअलिटी रियलिटी क्या है, क्योंकि हम लोग ये भी होता है कि हम कुछ करते हैं मन में कुछ दूसरा रहता है। तो
स्पेशली हम लोग ऐसे मेरा बारे में हम सोच रहे हैं तो हमला कुटिलता रहेगा ये, अगर मैंने वी आर नॉट क्लीन, वी आर नॉट क्लियर, वी आर नॉट फुली कृष्ण कॉन्शियस, देन हम लोग का चेतना में अभी भगवान को हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में क्या दर्शन करेंगे। इसीलिए ये जो है ये सरल वैष्णव थे और बहुत अच्छा उनका जो सेवा मनोभाव है गुरुदेव के लिए वो ही पहचानाता है हम लोग को कि हम लोग किस टाइप का भक्त है। तो ये सब समय गुरुदेव का एक ही बार वार्ड बोल दिए थे कि गोरमन तुम जाके वहाँ पे राम जी का सेवा करना और रेस्ट पार्ट आई विल टेक केयर, तुम्हारा बात मैं देखूँगा। तो ये इनका ऊपर में इतना भरोसा था तो गुरुदेव को सब समय भी देखते थे। अभी कोई डिवोटी बोल रहे थे और सपने में भी गुरुदेव को देखते थे और गुरुदेव को माला पहना रहे थे, इस टाइप का बोलते हैं कि हम गुरुदेव हमको दर्शन दे रहे हैं, इस टाइप का हो जाता है। तो ये जो भक्त है तो ये सोल और सुपर सोल का बारे में बोलते हैं कि सोल सुपर सोल को देखना चाहिए, सुपर सोल का डिजायर को देख के हमारा जो है उसी टाइप का सोल हमारा सेवा करना, उनका सेवा करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो 24 श्लोक में बोलते हैं अच्छद्य अयम अध्यय अध्ययम अक्लद्य अशस्य अशस्य ये बचो नित्य सर्वगत स्थानुर अचल अयम सनातन। ये सोल का और भी क्वालिटी है, इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल, इनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, अच्छद्य अच्छेद नहीं कर सकते, इनसोल्युबल पानी में अगर इसको डाल देंगे ये डिजोल्व नहीं हो जाएगा, एंड कैन नाइदर बी बर्न्ड और ड्राइड नॉट बी ड्राइड। तो शरीर को आग में जला सकते हो बट इसमें सोल को नहीं कर सकते हैं, एंड इसको नाइदर वेट कर सकते हैं, उसको भिगा सकते हैं या उसको सुखा सकते, इज एवर लास्टिंग जो एवरी प्रेजेंट एवरीवेयर एंड अनचेंजेबल इमूवेबल। नो डाउट द लिविंग एंट्रीज आर ऑल ओवर गॉड्स क्रिएशन, द लिव ऑन द लैंड इन वाटर इन एयर विद इन द अर्थ एंड इवन विद इन द फायर। तो हम लोग सोचते हैं कि फायर में कैसे रहेगा, तो आत्मा को फायर में तो जला नहीं सकते, इसलिए वो उसका शरीर किस टाइप का होगा ना, फायरी बॉडी है। वाटर में जो रहते हैं जो मछली हम लोग नहीं रह पाते ज़्यादा, लेकिन वाटर में भी मछली रहते हैं और दूसरा जीव भी रहते हैं, सिमिलरली फायर में भी फायरी बॉडी होगा। आत्मा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन शरीर भी उसका फायर में बना है तो फायरी बॉडी होगा, उसमें रह सकता है। जैसे सन प्लैनेट में भी बहुत सारे लिविंग एंट्री है, उनका शरीर फायर में बना हुआ है। तो विद इन द अर्थ, हमारा बॉडी मेड ऑफ अर्थ वाटर फायर एयर ईथर बोलते हैं, तो इन द वाटर इन द लैंड तो ये लिव ये सब रहते हैं सब जगह में, इसलिए सर्वगत आत्मा का बोलते हैं। दे बिलीव दैट दे आर स्टेलाइज इन फायर इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज क्लियरली स्टेटेड हियर दैट द सोल कैन नॉट बी बॉन्ड बाय फायर, देयरफॉर देयर इज नो डाउट that there is living entities also in the sun planet with suitable soldiers bodies to live in. So if the sun globe is uninhibited, then the word sarvagata living everywhere becomes meaningless. So it is said that next shloka mein abhyaktoyam achintyoyam abhikaryoyam uchyate tasmadevam vidityoyam nanushyate arhasi. It is said that the soul is invisible, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसका कभी भी माइक्रोस्कोप इसके तरह नहीं निकला है, उसका उस तरह हम सोल को देख सकते हैं, बाप हम परसीव कर सकते हैं सोल को, सोल का प्रेजेंस को भाई चेतना का माध्यम में, चेतना है तो सोल का एग्जिस्टेंस है। इनकंसीवेबल, इसको कंसीव नहीं कर सकते हमारा ये छोटा दिमाग में, हम इनका क्वालिटी कैसे होगा साइंटिस्ट भी इसको सोच नहीं सकते हैं, इसीलिए कभी कभी लोग मैंने इसका एग्जिस्टेंस को मानते नहीं है। इम्यूटेबल, नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीप फॉर दिस बॉडी, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये सोल तो कभी भी नष्ट नहीं होगा, तो शरीर नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप इसके लिए कोई ये नहीं करना है, सोचना नहीं चाहिए। जैसे शरीर चेंज होता है तो सोल का कोई चेंज नहीं होता है, और सोल एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है। दैट इज नो सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिटी ऑफ द फादर एक्सेप्ट बाई द अथॉरिटी ऑफ द मदर, मतलब किसके लिए कैसे जानना पड़ेगा। यहाँ पर प्रभुपाद ने श्रुति के बारे में इंपॉर्टेंस देते हैं, श्रवण करते हुए सोल का बारे में हम जान सकते हैं, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड्स नहीं है और उसको रियलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि जो शास्त्र में दिया गया उसी को हम अगर श्रवण करके सोल का बारे में जान सकते हैं। हाँ, जैसे हमारा फादर कौन है जितना भी एक्सपेरिमेंट करके हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हम मदर का वर्ड से भरोसा करते हुए हम फादर को जान सकते हैं।
इसलिए शास्त्र का माध्यम में शास्त्र जी में और मदर कृष्ण इज आर फादर, तो हमारा पिताजी कौन है ना, कृष्ण है, तो शास्त्र मदर है। तो भगवान को जानने के लिए, सुपर सोल को जानने के लिए यही रास्ता होता है कि शास्त्र का माध्यम जान सकते हैं। सिमिलरली देर इज नो सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोर्स एक्सेप्ट द स्टडिंग ऑफ द वेदर्स। इन अदर वर्ड्स, सोल इज इनकंसीवेबल बाई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट एंड नॉलेज। सोल इज कॉन्शसनेस एंड कॉन्शस, दैट ऑल्सो इज द स्टेटमेंट ऑफ वेदर। इफ यू हैव द एक्सेप्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट दैट, उसको हमको ग्रहण करना पड़ेगा। अनलाइक द बॉडीली चेंज, देर इज नो चेंज इन द सोल। इज इटर्नली अनचेंजेबल, द सोल रिमेन्स एटॉमिक इन कंपेरिजन टू द इनफाइनाइट सुप्रीम सोल। द सुप्रीम सोल इज इनफाइनाइट एंड द एटॉमिक सोल इज इनफाइनिटिसिमल। Therefore, the infinitesimal soul, being unchangeable, can never become equal to the infinite soul or the Supreme Person of Godhead. This concept is repeated in the Vedas in different ways, just to confirm the stability of the conception of the soul. Repetition of something is necessary in order that we understand the matter thoroughly without error. So this is the. तो हम सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, सुप्रीम सोल है, लेकिन वो विभू आत्मा, हमारो आत्मा है। इनका ये सच्चिदानंद जो क्वांटिटेटिवली इनफाइनाइट है, हम सच्चिदानंद है जो क्वांटिटेटिवली वेरी स्मॉल है, इनफाइनाइटिसिमल। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम बा मन्य से मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैनम सचितु अर्हसि। इफ हाउएवर यू थिंक दैट द सोल और द सिम्पटम ऑफ द लाइफ विल ऑलवेज बी बर्न एंड डाई फॉर एवर, यू स्टिल हैव नो रीजन टू लेमेंट ओ माइटी अर्जुन। तो भगवान बोल रहे हैं, देखिए देर इज ऑलवेज अ क्लास ऑफ फिलोसफर्स। ये जो है दो टाइप का फिलोसफर्स है, एक लोकायतज है एंड वैभाषिकज है। तो ये जो सात फिलोसफर्स मेंटेन दैट लाइफ सिम्पटम टेक्स प्लेस एट दैट एट अ सर्टन मेच्योर कंडीशन ऑफ मेटेरियल कॉम्बिनेशन। जो आत्मा, ये लोग का फिलोसफी में ये कहता है कि मैटर कंबाइन होकर पर्टिकुलर स्टेज में आत्मा जाता है, व्हिच इज रॉन्ग। तो द मॉडर्न मेटेरियल साइंटिस्ट वही भी सोच रहे हैं कि हम कुछ कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन में कुछ बना देंगे आत्मा, इस टाइप का नहीं हो सकता एक्चुअली। तो द साइंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बेस्ड ऑन दिस फिलोसफी व्हिच इज करेंटली चल रहा है। तो इसलिए वैभाषिक फिलोसफी एज इन ये जो है ये गलत है। सो दैट वुड बी स्टिल हैव बी नो कॉज ऑफ लेमेंटेशन। अगर इसका सोल का एग्जिस्टेंस है या नहीं है तो ये है, लेकिन जो भी है, अगर सोल, सपोज आप सोच ले कि सोल भी मर गई अभी, कोई बात नहीं, फील भी आप क्रिएट कर सकते हो ना, तो अगर आपका हिसाब से है इसका हिसाब से। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं इधर वो सोल इटर्नल है, और आप अगर बोलते हैं कि नहीं नहीं ये कोई मैटर का कॉम्बिनेशन निकलता है, तो ठीक है, फिर आप कभी ये अभी मटेरियल खत्म हो जाएगा तो दोबारा आप मटेरियल में कॉम्बिनेशन में सोल को बना लो, तो इस टाइप का वो बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दी वैभाषिक फिलोसफी दि सो कॉल्ड सोल और आत्मा फिनिशेस अलोंग विद द डिटरेशन ऑफ द बॉडी। सो इन एनी केस वेदर अर्जुन एक्सेप्ट द वैदिक कंक्लूजन दैट देयर इज एन एटॉमिक सोल or he did not believe in the existence of the soul, he had no reason to lament. According to this theory, since there are so many living entities generating out of matter every moment, and so many of them are being vanquished every moment, there is no need to grieve for such incidents. If there are no rebirth to the soul, Arjuna had no reason to be afraid of being affected by sinful reaction due to his killing his grandfather and teacher. But at the same time, Krishna sarcastically addressed Arjuna as a Mahabahu, mighty Arjuna, mighty Arjuna, because he at least did not accept the theory of Vaivasika, which leaves aside Vedic wisdom. As a Kshatriya, Arjuna belonged to the Vedic culture and it behooved him to continue to follow the principles. तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको कोई भी फिलोसफी हो, कोई बात नहीं कि आत्मा तो एग्जिस्ट करता है और इटर्नली एग्जिस्ट करता है, लेकिन दूसरा जो धर्म बोलते हैं कि यात्रा सोल को कोई बना सकता है, तो अगर उस भी होगा भी तो दोबारा तुम सोल को बना लेना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मानना है, इस टाइप का ये भगवान यहाँ पे बोलते हैं। तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्थ्य से अर्थे नोत्वम सचितु महर्षि। श्याम कृष्ण प्रभु ये श्लोक को पढ़िए और इसका डिस्कस करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक पढ़िए। कृष्ण 27 नंबर श्लोक ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादं परिहार्यर्थे नत्व शोचितु महर्षि। पूरा मतलब जन्म, जो जन्म हुए हैं उनका तो मृत्यु सुनिश्चित है, जो
मृत्यु लाभ किए हैं उनका जन्म वो भी सुनिश्चित है। तो इसीलिए जब ये अपरिहार्य है तो कर्तव्य संपादन में मतलब पीछे हटना उचित नहीं है कि दुख प्रकाश करना भी उचित नहीं है। अकॉर्डिंग टू वन्स एक्टिविटीज ऑफ लाइफ एंड आफ्टर फिनिशिंग वन टर्म ऑफ एक्टिविटीज वन हैज टू डाई टू टेक बर्थ फॉर द नेक्स्ट। इन दिस वे वन इज गोइंग टू वन साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ आफ्टर अनदर विदाउट लिबरेशन। दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ डज नॉट हाउएवर सपोर्ट अननेसेसरी मर्डर स्लॉटर एंड वॉट बट एट द सेम टाइम वायलेंस एंड वार आर इनवेटिबल फैक्टर्स इन द ह्यूमन सोसाइटी फॉर कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर। द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र बींग द वॉल ऑफ सुप्रीम वॉज एन इनविटेबल इवेंट एंड टू फाइट फॉर द राइट कॉज ऑफ द ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय why should he be afraid of or aggrieved at the death of his relatives since he was discharging his proper duty? He did not deserve to break the law, thereby becoming subjected to the reactions of sinful acts of which he has so afraid. By avoiding the discharge of the proper duty, he would not be able to stop the death of his relatives, and he would be degraded due to his selection of wrong path of action. क्योंकि जो जन्म हुआ है उनका मृत्यु भी सुनिश्चित है और जो मृत्यु ले लिए हैं उनका जन्म भी सुनिश्चित है क्योंकि ये दोनों अपरिहार्य है। तो इसीलिए भगवान यहाँ ये जो बर्थ ऑफ लाइफ जो मतलब बर्थ एंड डेथ साइकिल है इसी को दोहराते हैं कि ये जो लाइफ एंड डेथ का जो बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है ये तो चलता रहेगा और ये अवसंभावी है तो इसको कोई टाल नहीं सकता। ये इसीलिए जो कर्तव्य कर्म है अगर भगवान का जो बताए हुए कर्म है भगवान अगर चाहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे तो ये धर्म का संस्थापना करने के लिए और परित्राणाय साधुनाम अनविनाशाय च दुष्कृतम ये चाहते हैं तो ये होने दीजिए क्योंकि वैसे ही अगर देखा जाए तो ये जन्म मृत्यु वो तो चलता रहता है। एक के बाद जो शरीर पुराना हो गया तो कपड़ा पुराना हो गया तो उसको निकाल दिया जाता है और फिर आगे नए कपड़े ले लिए जाते हैं। तो इसमें दुख करने की कोई बात भी नहीं है और जो हमारा बंधु परिजन है इनको अगर हम मानने की हम सोच रहे हैं कि ये पाप कर्म रहेगा पाप कर्म भोग करेंगे तो इसके लिए इसीलिए हम डर जाते हैं तो भय आ जाता है। तो अभय चरण जो है भगवान है अगर उनके चरण में हम लोग जाते हैं और उन्हीं के सेवा में रहते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते में जाता है तो उसमें भय नहीं आएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमको बैकग्राउंड में यही रखना है कि हम अगर चाहें तो ये जो भाई बंधु जो कुटुंब लोग हैं इनका मृत्यु को हम रोक भी नहीं सकते। तो ये जो रंग हमारा जो हम हमारा मन में जो भ्रमात्मक एक प्रोसेस चल रहा है तो अगर यही हमारा सोच में रह गया तो हम क्या करेंगे कि आगे जाके फिर नीच योनि में जैसे कि मनुष्य के छोड़ के दूसरा जो जीव जंतुए हैं या फिर पेड़ पौधे हैं नीच योनि में हम लोग फिर मतलब जन्म हो जाएंगे। तो उस टाइम में ये जो सुविधा हमको मिल रहा है हम लोग समझ सकते हैं तो ये हमको ये फैसिलिटी जो है ये हमको नहीं मिलेगा। तो बुद्धिमान यही है बुद्धि मतलब बुद्धि का मतलब यही है इधर कि हम लोग ये जो मृत्यु है हम किसी को मार रहे हैं
तो ये मृत्यु में हमको व्यथित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम लॉर्ड है, उनका निर्देश से काम करने हैं। तो ये तो अकर्म हो गया, क्योंकि उन्हीं के निर्देश से हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उसी में जो रिजल्ट आएगा, ये एक्शन को लेकर के जो रिएक्शन आएगा, उसमें हम लोग दुख करने की या फिर सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये चीज इनडायरेक्टली इधर बताया गया है। अगर अगर हम ये ना करके, ये जो अर्जुन को बताते हैं भगवान कि अगर ये नहीं करते हैं तो ये नीच योनि में जन्म लाभ करेंगे और इनका जो पैटी जो था वो फिनिश हो जाएगा और ये धीरे धीरे नीचे नीचे से नीचे, मतलब जो लोअर लेवल होता है, जो 14 प्लानिटरी सिस्टम में जो लोअर होता है, तो लोअर धीरे धीरे लोअर से लोअर लोअर ऐसे लोएस्ट तक है, उसी में वो उसी रास्ते में वो निकल पड़ेंगे। इसीलिए इसको वहां रोक के भगवान का जो बताए हुए जो कर्तव्य कर्म है उसी पे लगना जरूरी है। हरे कृष्णा। अनुकूल किसी को मर्डर नहीं कर रहे, किसी के प्रति भावना नहीं कर रहे, ये युद्ध गदर में तो मानना पड़ेगा।